मध्य प्रदेश के मुखिया माफिया मुक्त प्रदेश का अभियान चला रहे हैं, तो वहीं भाजपा नेता अपने ही दल के लोगों को माफिया कहते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा अनूपपुर जिले में मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यक्रम में देखने को मिला, जहां कार्यक्रम में हितग्राही आम जनता अधिकारी नेताओं के साथ साथ जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता मूलचंद्र अग्रवाल को भी आमंत्रित किया गया और उन्हीं सब के बीच मंच में बैठने का स्थान दिया गया, जिससे नेताजी भड़क गए और मंच से ये तक कह डाला, जहां माफिया भ्रष्टाचार लोग बैठे हों वहां मैं कैसे बैठ सकता हूं। आपको बता दें कि जबकि मंच पर भाजपा मंडल अध्यक्ष नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी उसी स्थान पर बैठे थे। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ अनूपपुर जिले में मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिससे हितग्राहियों के साथ साथ आम जनता व मंडल अध्यक्ष शिवरतन वर्मा, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश द्विवेदी के साथ प्रशासनिक अधिकारी कमलेश पुरी व जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता मूलचंद अग्रवाल को भी आमंत्रित किया गया था। इस दौरान मंच में जहां अधिकारी व नेता बैठे थे, इन्हीं के बीच अग्रवाल जी को भी बैठने का स्थान दिया गया, जिससे नेताजी भड़क गए और मंच से ये तक कह डाला कि जहां माफिया भ्रष्टाचार लोग बैठे हों वहां मैं कैसे बैठ सकता हूं। और आपको बता दें कि जबकि मंच पर भाजपा मंडल अध्यक्ष नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी उसी स्थान पर बैठे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, ये कहना चाहता हूँ, आपने मुझको बुलाया, आने के लिए स्वागत किया, आपको बार बार आपने दोहराया आइए, लेकिन मैं नहीं आया। आपको लग रहा है क्यों? जहाँ भ्रष्ट लोग बैठे हों उनके बगल में मूलचंद अग्रवाल बैठेगा है? ऐसा कैसे संभव है? जहाँ माफिया बैठे हों, भू माफिया बैठे हों, ऐसे लोगों के साथ तो हमारी इज्जत रहेगी, लोकतंत्र सेनानी की क्या इज्जत रहेगी? तो ऐसे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इसीलिए मैं नहीं है, मैं अब अपनी बात कहके मैं जाना चाहता हूँ। जय भारत। देखिए, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और आदमी तो कुछ भी किसी के ऊपर कह सकता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखिए तीर्थ ऐसी, वो क्या है वो जाने हम नहीं जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।